हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ड्रामा को जिसका नाम है ब्राइड्स रिवेंज और ये ड्रामा बिल्कुल मिलती है मेड्स रिवेंज ड्रामा की तरह तो एपिसोड वन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे इस ड्रामा के फेमेल लीड को जिसका नाम होता है क्विनलैंड कोइन लैंड की शादी आज मू फैमिली के छोटे बड़े से हो गई थी और मेड्स कहते हैं अच्छे से सर्व करना और मेड्स के जाने के बाद जो है कोइन लैंड जाती है अपने ग्रोम को देखने के लिए और वो जब अपने ग्रोम को देखती है तो वो देख के मुझे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का था जिसने एक बार जो है मेरी जान बचाई थी तभी इसके पास इसका एक सरफीरा आशिक आ जाता है और ये मू फैमिली का जो बढ़ा बेटा होता है और वो आके ही इसे हक कर लेता है और क्विलाइन इसे जो है दूर करता है और इसका नाम होता है एनचेंग और एनचेंग से वो कहता है कि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो एनचेंग कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर एनचेंग और क्विनल जो है रिलेशन में थे और जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं प्रेजेंट में आम, कोई लैंड कहती है कि देखो हमारे बीच में जो भी था ना वो सिर्फ पास था अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है और है भी तो क्या है मैं तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ हूँ तुम्हें तो समझ में आया ना तो चंग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं भूल सकता और तो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और कोइन उसे शांत कराती है और कहती है तुम्हारे भाई जो यही परी है मतलब क्या यही हो रहा है यहाँ पर सच में और वो कहता है ये तो तुम्हें सर्व भी नहीं कर सकता रात को और मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होते नहीं दे सकता और ये कह के अनचंगइनलैन को ले जाने लगता है ज़बरदस्ती और तभी वहाँ पर एनचंग की मोम आ जाती है और साथ ही साथ एनचंग की वाइफ भी आ जाती है और एनचंग की वाइफ आते ही कहने लगते कि यू कोइन लैन ब्लडी नागिन अरे तुम मेरे पति को जो है सीड्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, थे। क्वीन लैंड कहती है कि ऐसा नहीं है और एनटेंग की वाइफ कहती है कि ऐसा ही है हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा हुआ है तुम ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हारा पति जो है हाफ डेड है इस वजह से मतलब कि जिंदा हुआ जिंदा लाश और वो कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो हम दोनों सिस्टर है ना तो वो जाके जो कहने लगती कि मदर आप ही अब जो है कुछ कीजिए तो मदर जाके जो है क्विनलैंड को ही मारने लगता है और अनचंग जाके क्विनलैंड को बचाने की कोशिश करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन क्विनलैंड जो है यही सोच रही थी कि सेकंड जो है यंग मास्टर ने मुझे बचाया था उस रात और उस रात के बाद से ही सेकंड यंग मास्टर जो है बेहोश है पता नहीं क्यों तभी वो नोटिस करती है कि सिकन यंग मास्टर के मेडिसिन में जो हर्ब्स थे उनमें जो है एक हर्ब्स ऐसा भी था जो कि पॉइजन की तरह काम करता है ये जो है मेरी ये जो है हर्ब्स जो है किसी को भी बहुत ही धीरे धीरे जो है मार सकता था बहुत ही टाइम लेके तभी वहाँ पर एक मेट आती है तो वो उस मेट से पूछने लगती है ये हर्ब्स वगैरह किसने दिए और वो मेट कहती है कि ये ये तो यहाँ के जो फेमस डॉक्टर ने दिए हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि वही डॉक्टर एन है, यानी सेकेंड यंग मास्टर के जो चेपक चेकअप कर रहे थे और एन है के मुंह से तभी ब्लड आने लगता है और वहाँ पर जो है क्वीन लैंड दौड़ते हुए आती है और एन है को बचाने के लिए वो जो है वो सारा पॉइजनिक मेडिसिन जो है अपने मुँह में ले फेंक देती है तभी एन है कि जो मदर जो है ना वो उसे यहाँ से हटाती है लेकिन हम देखते हैं कि एन है अब थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है वो मेडिसिन उसके मुंह से जाने हटने के बाद और कुंला एन उस डॉक्टर से कहने लगते हैं कि तुम जानते हो ना कि इस पॉइजन से जो है यंग मास्टर सगिन यंग मास्टर मर सकते थे ये सुन के मदर कहती है कि बताओ कौन है वो जो मेरे बेटे को जो है चोट पहुँचाना चाहता है तभी वो डॉक्टर जो एक्टिंग करते हुए अपने घुटने पे आके कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने जो है इस क्विनलन के कहने पे ये सब किया और कोइनलन कहती है कि मैंने तुम्हें कब कहा ये सब करने के लिए और मैं भला ऐसा क्यों करना चाहूँगी जिसपे वो डॉक्टर कहने लगता है क्योंकि तुम जो है हाफ़ डेड यानी जिंदा लाश के साथ नहीं रह सकती हो और तुम इस शादी से खुश भी नहीं थी इस वजह से तुमने जो यंग मास्टर को मारने के लिए मुझे कहा सॉरी सेकंड यंग मास्टर होगा और क्विलन कहते हैं कि अगर मैं उसे मारना ही चाहती थी तो मैं भला सेकंड यंग मास्टर को क्यों बचाऊंगी और वो डॉक्टर कहने लगा मैं अब समझा तुम जो है मुझे फंसाना चाहती हो ना इस वजह से तुम ये सब कह रही हो और वो कहने लगते कि तुम ही ने जो है मरने मारने के लिए यंग मास्टर को मुझे कहा था और मदर को भी जो उस पर शक होने लगता है और वो मदर को समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन मदर तो उस पर भड़क जाती है और उसे जो है कहने लगती है कि तुम्हें जो जरूर सज़ा मिलेगी और कुछ मेट्स को बुला के उसे पकड़ लेती है और कोयलन कहती है प्लीज़ मेरा जो यकीन कीजिए मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया लेकिन मदर तो कहने लगती है तुम तुम्हारे हस्बैंड को माना चाहते मानना चाहती थी तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें क्या परवरिश दी है मैं तुम्हारे फादर को अभी कि इन सब चीज़ों के बारे में तो कोई इंजन कहते कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो फादर को मत बताइए फादर की तबीयत जो है ठीक नहीं है वो सुनेंगे तो वो जो है बीमार पड़ जाएंगे और भी ज़्यादा लेकिन मदर कोई भी बात नहीं सुनती सुनता जो है और वो मेट को कहने लगती है कि इसे यहाँ से ले जाओ और यही परी जो है एपिसोड वन खत्म होता है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना एंड ऐसे लेटे इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ने, नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए बाय बाय